साथियों, बीते 10 वर्षों में हमने देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठाए हैं। हमने पॉलिसी स्तर पर नीति विषयक सुधार किया, रिफॉर्म्स किए, हमने प्राइवेट सेक्टर को इससे जोड़ा, हमने एमएसएमई स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया। आज देश में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में डिफेंस कॉरिडोर्स बन रहे हैं। इनमें अब तक 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है। आज हेलीकॉप्टर बनाने वाली एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में काम करना शुरू कर चुकी है और आज मैं अपनी तीनों सेनाओं को भी बधाई दूंगा। हमारी तीनों सेनाओं ने सैकड़ों हथियारों की लिस्ट बनाकर तय किया कि अब वो इन्हें बाहर से नहीं मंगाएगी। हमारी सेनाओं ने इन हथियारों के भारतीय इकोसिस्टम को सपोर्ट किया। मुझे खुशी है कि हमारी सेनाओं के लिए सैकड़ों सैन्य उपकरण अब भारत की कंपनियों से ही खरीदे जा रहे हैं। 10 वर्ष में लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए के रक्षा उपकरण स्वदेशी कंपनियों से खरीदे गए हैं। इन 10 वर्षों में देश का रक्षा उत्पादन 2 गुना से भी ज्यादा यानी 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक हो चुका है और इसमें हमारे नौजवान भी अहम भूमिका निभा रहे हैं।